नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मिड लाइफ इन रशिया। तो आज अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ पंकज भाई से। हेलो गाइस। तो स्टोरी ऐसी कि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर से पंकज भाई ने मुझे एक बार ऐसा यानी कमेंट की थी अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के अंदर, और इंस्टा पे उन्होंने डीएम किया था कि मुझे परम में आना है, परम स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेनी। तो नमस्ते पंकज भाई, आपका यहाँ पे चैनल के अंदर स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आप मैंने कहाँ से हो, आपका एजुकेशन क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम पंकज है, मैं अम्बाला कैंट हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मेरी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा हरियाणा से है। और मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि रशिया विज़िट करूँ, तो फाइनली आई एम हेयर। ओके, तो सबसे खुशी की बात है कि आपने अपना चैनल जो है मेड लाइफ इन रशिया पहली बार कब देखा है, अपने फीड के ऊपर कैसा चैनल आया, आपने सबसे पहले क्या सर्च किया था रशिया के बारे में या परम के बारे में, तो आपने सबसे पहले नहीं अपने चैनल के ऊपर आप कैसे आए, आपके फीड के ऊपर आया रैंडमली या आपने सर्च किया उसके बाद में आया? एक्चुअली रशिया के बारे में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं रशियन, तो वो मुझे इनवाइट करते रहते थे कि आप रशिया आइए आइए। तो फिर मैं ट्राई कर रहा था पिछले साल से, बट कोविड की वजह से नहीं आ पाया। तो इस साल कोशिश की मैंने और यूनिवर्सिटी को मेल किया जैसा भी। तो अगर चैनल मेड लाइफ इन रशिया की बात करें, तो मैं वीडियोस देखता रहता था यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे रशिया के बारे में, जो रशियन स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। बट जब मैंने सर की वीडियो देखी मेड लाइफ इन रशिया, तो मुझे काफ़ी मतलब सिंप्लिसिटी और जेन्युइन वीडियोस मिली इनकी, और काफ़ी अच्छा इनका चैनल है, और वहाँ से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। तो मैंने कमेंट्स किए, इनसे संपर्क किया, इंस्टा पे हमारी बात शुरू हुई। तो मतलब काफ़ी अच्छी, मुझे बहुत आसानी हुई यहाँ पे आने के लिए मेड लाइफ इन रशिया के थ्रू। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं हर संडे को नॉर्मल एंटरटेन वाली वीडियो डालता हूँ, और हर थर्सडे को जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ। तो जब आपसे मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की, आपने मुझे बताया मैं यहाँ पे आना है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, बाद में आप यहाँ पे आए, तो उसी दिन से मैंने ठान लिया कि हर थर्सडे को मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालूंगा कि जो, क्योंकि मुझे ऐसा रियल एग्जाम्पल मिला कि अगर मेरी वीडियो से किसको अगर हेल्प होती है। बिल्कुल। तो मैंने ठान लिया उस दिन से कि हर हफ्ते में थर्सडे को ऐसी वीडियो डालने वाला हो जो इन्फॉर्मेटिव हो और जेन्युइन हो और सिंपल लैंग्वेज के अंदर एकदम नॉर्मली जो हर एक इंसान को समझ में आए, ऐसे 4-5 मिनट की वीडियो आप सब भी देख रहे होंगे। उसके बाद में मुझे आपको पूछना है कि आपने परम ही क्यों चुना, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, आप नॉर्थ में जा सकते हैं, वेस्ट में जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आपने परम क्यों चुना, परम चुनने का आपका क्या रीज़न था? हाँ, परम की बात करें तो मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो अदर्स दूसरी सिटीज़ में हैं वहाँ पर मेल किया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मुझे मैंने परम स्टेट यूनिवर्सिटी जो परम में है उनको मेल किया, मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स मिला, और उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। मुझे मेल के थ्रू उन्होंने प्रोसेस बताया, और यहाँ पे मेरे कुछ रशियन फ्रेंड्स भी हैं पर्म में, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आप फर्स्ट टाइम अगर रशिया आ रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा पर्म में रह के। थोड़ा ठंडा है बट चल जाएगा, अभी एडजस्ट कर रहे हैं। अभी तो ठंडा आएगी, अभी तो नवंबर दिसंबर के अंदर विंटर चालू होने वाला है। हाँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर आपने जो फैकल्टी चुनी, जो आपकी स्ट्रीम चुना, वो स्ट्रीम कौन सा है और आपके वो स्ट्रीम चुनने का पीछे का रीज़न क्या था? एक्चुअली मेरे, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे कुछ रशियन फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी बात होती थी पहले, तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं रशियन लैंग्वेज सीखूं, और मैं इंडिया में भी पढ़ता रहता था यूट्यूब के सहारे के रशियन अल्फ़ाबेट्स वगैरह, ये सब मुझे पहले से ही पता थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम रशिया में रह के यहीं रशियन सीखें, और उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी को मेल किया, और अब यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे सीख रहे हैं, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं आप सबको बताऊँ कि हम जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते ना आए थे ना यहाँ पे पहले 1-2 महीना, तो हमको नॉर्मली हम अल्फ़ाबेट पढ़ने को, बाद में वर्ड्स रिमेंबर करने को बहुत टाइम लगा। आप जब यहाँ पे आए ना, जब यहाँ पे मैंने भाई को पहली बार मिला तब पहले टाइम में भाई एकदम हफ्ते का जैसा नाम, हफ्ते का बाहर के जो दुकान के नाम थे ना, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम आए उसी टाइम भाई ने रीड करना चालू किए थे। आने से पहले अल्फाबेट वगैरह वर्ड वगैरह लगभग मैंने देखा था, लगभग 200-250 वर्ड की वोकैबुलरी भाई के सबसे पहले रिमेंबर थे ना। हाँ, वो पता था भाई को, अल्फाबेट्स मैंने काफ़ी अच्छे से याद कर ली थी प्रैक्टिस। तो दोस्तों, पंकज भाई इससे पहले मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, तीन जगह ना, इसी जगह वहाँ पे रह चुके लगभग। सिंगापुर के अंदर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है 1 साल का, थाईलैंड के अंदर भी लगभग 4-5 महीने यहाँ पे रुके थे, मलेशिया के अंदर भी उन्होंने, तो उनका एक वर्क का एक्सपीरियंस है। तो उनके बाकी जो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, उनके कंपेरेटिव जब आप फर्स्ट टाइम रशिया के अंदर लैंड हुए थे, तो आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन क्या था रशिया के बारे में, आपको क्या लगा? रशिया के बारे में अगर बात करें, तो हम सबसे पहला
डिफरेंस तो जैसे कि वेदर, क्योंकि वो जो कंट्रीज़ हैं मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, थोड़े गर्म हाँ हैं, हाँ वेदर उनका नॉर्मल है ज़्यादा। पर यहाँ पे जैसे ही हम आए, टेम्परेचर उस दिन था 4 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। सर की वीडियो देख के तो मैंने पहले ही आइडिया लगा लिया था कि ठंडा होगा, और उस हिसाब से मैं जैकेट वगैरह, कैप वगैरह, अपना हाँ ग्लव्स वगैरह सब प्रिपेयर करके आया था तो मैंने वालों मैं। को चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो एप्लीकेशन वाली वीडियो बनाई थी बाद में सब क्लोथिंग वाली वीडियो में सब जी वीडियो आपने देखी ना हाँ उसका सब, आपको आपका कैसा कैसा हेल्प हुआ उसका। हाँ सब मैंने वीडियो देखी। उसके बाद सबसे पहले तो वेदर के बारे में पता चला कि वेदर कैसा है, गूगल पे देखा हमने। तो फिर मैंने ये देखा कि क्या क्या चीज़ें हमें लेके आनी है, क्या नहीं मिलता है यहाँ पे। जैसे भाई सर ने बताया कि यहाँ पे बर्तन वगैरह सब मिल जाता है, कुकर नहीं मिलता, तो मैंने कुकर लेके आया मैं स्पेशल। और उसके बाद अपना ग्लव्स वगैरह, कैप, ये सब चीज़ें मतलब मैंने वीडियो देख के पहले ही तैयार कर लिया था कि हाँ ये सबसे एसेंशियल नीड्स हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से वेदर चेंज होगा तो उस वजह से बीमार होने का चांस भी होता है। बट मैंने सब था मेरे पास, तो अभी तक सब अच्छा चल रहा है। उसके बाद में जब आप यहाँ पे पर में लैंड हुए उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो फर्स्ट डे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी के अंदर। आप जब आप वहाँ पे गए तो टीचर मुझे लगभग हमारे जो मेडिकल वाले जो टीचर हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर उनको थोड़ी बहुत रशियन है इंग्लिश तो उनको अभी अच्छे से आती है वो हमको पढ़ाते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो वहाँ पे रशियन इंग्लिश जिस टीचर को आती है यानी टीचर लोगों को इंग्लिश आती है क्या नॉर्मल आती है क्या आती नहीं क्या आपका पहला डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि टीचर लोगों को क्योंकि रशिया के अंदर बहुत सारे टीचर को इंग्लिश आती नहीं नहीं तो आती। उसका ने पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है। तो अगर पर्म की बात करें तो मैं रात को यहाँ पे लैंड हुआ था, और उसके बाद भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि क्या टैक्सी बुक करो। अगले दिन सुबह मेरे को यूनिवर्सिटी जाना था, यूनिवर्सिटी गए वहाँ पे। जैसे एंट्रेंस पे ही मैंने कॉल किया टीचर को कि मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुका हूँ। टीचर भी बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। वो बाहर आए, अंदर मुझे यूनिवर्सिटी में लेके गए। उन्होंने अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, जो भी था फॉर्म वगैरह फिल करना, वो सब किया हमने। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से डील करते हैं टीचर्स, फैकल्टी बहुत अच्छी है, और उनको इंग्लिश आती है, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था एडमिशन लेना, ये सब तो काफ़ी अच्छा रहा और इजीली प्रोसेस हो गया सब। और मुझे ब्रदर ने बताया कि कौन सी बस जाएगी, कैसे आना है। तो शुरू शुरू में तो मैं टैक्सी से गया यूनिवर्सिटी 1-2 दिन, उसके बाद फिर पता चल गया अपने को कि कौन सी बस लेनी है, कार्ड से कैसे सब, मतलब बहुत ही अच्छा है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। वो 26 रूबल के आसपास आपका जो टिकट है टिकट रेंट बस का, टिकट हाँ हाँ तो नॉर्थ अगर का। कोई यहाँ पे स्टूडेंट है जो इंडियन स्टूडेंट है यानी अलग अलग स्टेट से तो अगर यहाँ पे रशियन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है यहाँ पे चाहते क्योंकि हैं आपने परम से पहले भी आपने बहुत सारे जो कॉलेज है आपने बोला रुस्तम वगैरह कॉलेज है तो जी वहाँ पे आपने वेबसाइट कॉलेज की देखी थी उनका भी कुछ रिक्वायरमेंट था क्या क्या कुछ कुछ कॉलेज बोलते थे कि बैचलर्स का मैं आपको मास्टर्स करना कंपलसरी है तो बाकी जो आपने जो रिसर्च किया उसके बारे में तो बाकी कॉलेज के अंदर क्या क्या रिसर्च किया कौन कौन से कॉलेज आपने देखे थे उसके बाद में परम के कॉलेज के आपने तो आपने बताया कि क्यों चूज़ किया क्या चूज़ किया लेकिन बाकी कॉलेज भी आपने देखे होंगे अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है जो यहाँ पे आना चाहता है पढ़ना इंग्लिश अपने रशियन लैंग्वेज के लिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है कौन कौन से कॉलेज है और उसको थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मैं काफ़ी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी समय से प्लान कर रहा था हाँ कि मैं रशिया आऊँ और कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को मेल किया था। सोची स्टेट यूनिवर्सिटी, रोस्तम नाडानू, एक जगह है यहाँ पे मोस्को में यूनिवर्सिटी है, उन सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे भी तो कुछ कॉलेजेस हैं, उनको भी मैंने मेल किया था। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको रशियन लैंग्वेज कोर्स करनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, तो वो उसी स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं कि जो आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहता है, ठीक है। बट पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में जब मैंने मेल किया, उनका रिवर्ट आया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस, जल्दी ही उन्होंने मेरे को रिवर्ट दिया, और उन्होंने बताया कि आपको सिर्फ अगर लैंग्वेज सीखनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, फर्दर स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ, जैसे कि मेरा 10 मंथ्स का कोर्स है, तो मैं 10 मंथ्स यहाँ पर रहूँगा और उसके बाद आगे का प्लान करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि रशियन सीखना चाहते हैं और एक अच्छी सिटी में, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बिल्कुल अच्छी नॉर्मल जब सिटी। मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं मतलब कभी मिले नहीं किसी से, आप सिर्फ हाँ इंस्टा पे बात हो रही है, हाँ और जब मैं यहाँ पे आया तो इतना अच्छा लगा मुझे।